खबर रीवा से है, जहां चिड़ियाघर में एंट्री की अब फीस बढ़ा दी गई है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की सैर अब महंगी कर दी गई है और विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री फीस अब दोगुनी होगी। वहीं 5 साल तक के बच्चों के लिए एंट्री फ्री रहेगी और 5 से 12 साल के बच्चों के लिए एंट्री 30 रुपए की फीस कर दी गई है। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चिड़ियाघर में एंट्री की फीस बढ़ा दी गई है और विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये फीस अब दोगुनी रहेगी। वहीं मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की सैर अब महंगी हो गई है। 5 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंट्री और 5 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए 30 रुपए की एंट्री फीस रख दी गई है। देखिए मध्य प्रदेश के रीवा की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चिड़ियाघर में एंट्री की फीस की बढ़ोतरी हुई है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की सैर महंगी कर दी गई है। विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री की फीस दोगुनी कर दी और 5 साल तक के बच्चों के लिए लेकिन ये एंट्री फ्री रखी गई है और साथ ही 5 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए 30 रुपए एंट्री फीस। देखिए रीवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री फीस दोगुनी हो गई है और चिड़ियाघर में एंट्री की फीस में बढ़ोतरी देखी गई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ रहे हैं फोन कॉल पर, उनसे जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट इस मामले में आ रही है और देखिए रीवा के चिड़ियाघर में अब एंट्री फीस बढ़ा दी गई है, क्या मायने है इसके? बिल्कुल अंशिका, मैं बताना चाहूंगा कि आज से चिड़ियाघर और व्हाइट टाइगर सफारी के जो सैर है वो अब महंगी हो रही है, क्योंकि आज से दामों में जो इस तरह बढ़ोतरी हो रही है, लोग लगातार छुट्टियों में और लगभग जो छुट्टी के दिन होते हैं वहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा देखी जाती थी, लेकिन अब जिस तरह शुल्क में दामों पर बढ़ोतरी हुई है तो लोगों में इस बात के लेकर जिज्ञासा भी है, क्योंकि प्रबंधन का ये भी कहना है कि इससे बहुत सारी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हुई हैं। तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ जैसे व्हाइट टाइगर सफारी के अंदर वर्ल्ड एवरी बनाई गई है, उसके साथ ही लोगों को गाड़ी से ले जाने और ले आने की और भी बेहतर व्यवस्था की गई है। तो चिड़ियाघर प्रबंधन का ये भी कहना है कि इन बढ़े हुए दामों से व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होंगी। और अंशिका मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश भर के चिड़ियाघरों में ये दाम में बढ़ोतरी हुई है और इससे मध्य प्रदेश के पर्यटक को और भी लुभाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है और बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। देखिए दामों में तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन उसी के साथ साथ व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर दी गई है, ताकि इससे पर्यटकों को भी फायदा मिले और वो आराम से अपनी सैर का मजा ले सके। तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया विवेक।